Good afternoon, all students. 7.1 में हमने क्वेश्चन आंसर आपको अभी तक समझा दिए थे. क्वेश्चन नंबर 4 को हमने अभी कलर दिया आपको. अब क्वेश्चन नंबर 5 आज हम आपको समझाते हैं. राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन. हमें एक फ्रैक्शन दी है 7/11. उसका हमें न्यूमरेटर बताना है, उसका न्यूमरेटर कितना है और डिनोमिनेटर कितना है, वो हमें सॉल्यूशन में. बस न्यूमरेटर कितना है आपको, कितना की मैंने इसको लेकर बताया, क्योंकि न्यूमरेटर फ्रैक्शन में होता रहता है, कितना इसका 7 और डिनोमिनेटर कितना है. यहाँ पे लिख दिया 11. बस क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे ही आपको करना है. हमें एक क्वेश्चन आपको समझा दिया 5 का ए. कॉपी में सभी को नोट करना है. अब क्वेश्चन नंबर 5 का आपने आप क्वेश्चन नंबर 5 का एक ही क्वेश्चन समझाया है, ये क्योंकि सिंपल है. इसी के तरह आप और भी आगे कर सकते हो. अब क्वेश्चन नंबर है 6. राइट एनी टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन.
लोस्ट टर्म, लोस्ट फॉर्म में बनाना है फ्रैक्शंस को, ठीक है। एट अपॉन 16, ऐसे टेबल इसमें 8 और 16 दोनों आते हैं। तो हमने 2 की टेबल में देखा कि 8 भी आता है और 16 भी आता है, और लॉस्ट टर्म में हमें इसको बनाना है। तो 8 ये लिखा 16 डिवाइडेड 2, यहाँ पे भी डिवाइडेड 2, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, कितना आ गया हमारा 4 अपॉन 8। फिर 4 अपॉन 8 में डिवाइडेड 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। इसी तरह से हम इसको फिर डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4। तो सबसे पहले हमने 8 अपॉन 16 को 2 से डिवाइड किया तो 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 4 अपॉन 8 आया। इसी को हम आगे भी बढ़ा के लिख सकते हैं, डिवाइडेड यहाँ पर 2 करते हैं और डिवाइडेड यहाँ पर ही 2 करते हैं, लेकिन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए तो हमने इसी को यहाँ पर लिख दिया है 4 अपॉन 8 को, और फिर से हमने किसका डिवाइड कर दिया 2 का ऊपर ही और 2 का ही नीचे। ऐसे नंबर ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जिसमें दोनों डिवाइड हो जाए। और दूसरी बात यह है, ऐसा नहीं कि ऊपर 2 से डिवाइड कर दो और नीचे 3 से डिवाइड कर दो, एक ही नंबर से दोनों में हमको डिवाइड करना है, ठीक है। तो 4 अपॉन 8 आया, 4 अपॉन 8 का हमने फिर से 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4 आ गया और 2 4 जा 8 आ गया। इसको फिर से हमने देखा 2 और 4 से किसकी टेबल में आते हैं, 2 के में। तो ये हमें जब तक डिवाइड करना है जब तक वो पूरी तरह से कैंसिल ना होते रहे, क्योंकि हमें 8 अपॉन 16 को किसमें चेंज करना है, लोएस्ट टर्म में। तो ऐसे हमने आपको 1 अपॉन 2 आ गया इसका आंसर। एक और आपको समझा देते हैं, तो ये थोड़े टफ लग रहे हैं क्वेश्चन आपको, इसमें हमें डिवाइड करते ही जाना है जब तक वो पूरी तरह से लॉस्ट फॉर्म में चेंज नहीं हो जाए। इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है 9 अपॉन 18। अब जैसे 9 अपॉन 18 है, तो 9 अपॉन 18 हमने देखा 2 की टेबल में 18 तो आता है लेकिन 9 नहीं आता है। हमने ऐसी टेबल से डिवाइड करना है जिसमें हमें दोनों दिखे, 9 भी दिखे और 18 भी दिखे। तो हमने देखा 3 की टेबल में 3 जा 9 और 3 जा 18, तो हम इसको डिवाइडेड 3 कर देंगे और 18 डिवाइडेड यहाँ 3 दिया, तो 3 जा 9 और 3 जा 18, कितना आ गया हमारा 3 अपॉन 6। ये 3 अपॉन 6 जगह फिर से 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगी, इसी में हम डिवाइड का साइन लगा दें, तो 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6, तो कितना आ रहा है हमारा 1 अपॉन 2। तो 9 अपॉन 18 का लॉस्ट टर्म कितना आ गया 1 अपॉन 2। इस तरह से आपका क्वेश्चन सेकंड के 2 क्वेश्चन हमने आपको समझा दिए, अब तो आपको क्लियर हो गए होंगे और आने भी लगे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द बॉक्सेस to make equivalent fraction
अब ये नंबर हमें जैसे हमें फाइंड करना है इसी के हम आपको सेकंड मेथड बताते हैं। जैसे हमें यहाँ पर किसी को भी नंबर फाइंड करना है तो हमें जैसे क्या मान लेते हैं एक्स को मान लेते हैं। तो जैसे 10/22 और यहाँ पर हमने क्या फाइंड कर लिया इसको कि अभी हमने एक्स मान लिया नंबर निकालना है। अब हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो 10 × 33 = 22 × x। अब किसकी वैल्यू फाइंड करना है इसका ऊपर करते हैं सॉल्यूशन। नीचे जगह लिखिएगा डायरेक्ट भी कर सकते हैं और एक ही वाली मेथड से भी कर सकते हैं। आगे की क्वेश्चन है